हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लांटस्केप 23। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही सुंदर ऑर्नामेंटल हाउस प्लांट की, जिसकी आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। यह है हमारा रियो का प्लांट। रियो का प्लांट जो है, इसमें दो वेराइटीज़ मिलती हैं। एक होता है हमारा रियो डिसकलर और एक होता है हमारा रियो ट्राई कलर। जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, यह हमारा डिसकलर है। डिसकलर में जो होती है, रियो की जो पत्तियाँ होती हैं ऊपर से ग्रीन होती हैं और बैक साइड से पर्पल होती है। लेकिन जो ट्राई कलर वेराइटी होती है, उसमें पत्तियों के ऊपर की तरफ ट्राई कलर की स्ट्रिप्स होती हैं और पीछे पर्पल ही होता है, तो इसलिए उसे ट्राई कलर कहते हैं। रियो प्लांट को हम बोट लिली भी कहते हैं और ये एक शेड लविंग प्लांट है। ये शेड में बहुत अच्छी तरह से ग्रो करता है। जैसे कि किसी बड़े पेड़ के नीचे अगर आप इसे लगाते हैं तो बहुत अच्छी तरह से ये ग्रो करता है। डायरेक्ट सनलाइट में अगर आप इसे रखते हैं तो इसकी पत्तियाँ जो होती हैं बर्न हो जाती हैं, जैसे कि ये पत्तियाँ जो हैं वो सनबर्न हो जाती हैं। तो इसकी सनलाइट की रिक्वायरमेंट यही है कि ये एक शेड लविंग प्लांट है। आप इसे ऐसी शेड की जगह पे लगाएं या फिर ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ पे सुबह की हल्की सी धूप आए, डायरेक्ट सनलाइट ना आए। आप ये पत्तियाँ जो देख रहे हैं, ये ओले की वजह से टूट गई हैं। ये पत्तियों में जो लगा है निशान, ये सब यहाँ बारिश हुई थी तो ओले की वजह से पत्तियों में निशान लगे हैं। अब बात करते हैं, अगर आप रियो प्लांट अपने घर में लगाते हैं तो आप इसको किस तरह की मिट्टी बनाएं। तो मिट्टी आपने वेल ड्रेन्ड बनानी है, जिसमें कि आप थोड़ा सा लेंगे गार्डन सॉइल, उसमें आप मिलाएंगे थोड़ा सा काउडंग कंपोस्ट, फंजीसाइड और रेत बालू मिलाएंगे उसमें थोड़ी सी, क्योंकि इसको वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए जिसमें कि पानी ना रुके। अगर पानी रुकता है तो फिर इसकी रूट जो है वो ख़राब हो जाती है। ये इसकी रूट्स जो होती हैं बहुत ही छोटी होती हैं, तो अगर थोड़ा भी पानी ज़्यादा होता है या पानी ठहरता है रूट में तो इसकी रूट्स जो होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं। फंजिसाइड आप इसलिए मिलाएंगे क्योंकि फंजिसाइड से फंगस की दिक्कत नहीं होती। अगर आपके प्लांट में फंगस की प्रॉब्लम होती है तब भी आपका प्लांट जो होता है वो ख़राब हो जाता है। तो फंजिसाइड भी आप मिला के वेल ड्रेन्ड सॉइल पर लाएंगे। जो भी आप पॉट लेंगे, पॉट का आप ड्रेनेज होल अच्छी तरह से चेक करेंगे। ड्रेनेज होल अच्छा होना चाहिए जिससे कि पानी ना रुके और जैसे ही आप पानी डालते हैं, पानी जो है वो ड्रेनेज होल से निकल जाए। अब बात करते हैं इसके फर्टिलाइज़र की। तो आप इसे साल में दो बार फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। एक बार आप फरवरी में कर सकते हैं और एक बार आप अगस्त के टाइम में इसे फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। रियो का जो ग्रोइंग सीज़न है वो है समर, तो फरवरी से ये अगस्त सितंबर तक बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तो इस बीच आप फर्टिलाइज़ करेंगे तो इसमें ग्रोथ जो है बहुत अच्छी होगी। तो यही इसका ग्रोइंग सीज़न है, इस समय आप इसे फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। अगर इसे आपने प्रोपोगेट करना है तो प्रोपोगेट करने के लिए रूट डिवीज़न से बहुत अच्छी तरह से प्रोपोगेट हो जाता है, वो भी आप कर सकते हैं या तो फरवरी के टाइम में स्प्रिंग से पहले, या तो फिर आप कर सकते हैं बरसात के टाइम में, बहुत अच्छी तरह से जो है मल्टीपल हो जाता है। अब बात करते हैं वाटर रिक्वायरमेंट। तो वाटर जो है इसको आपने बहुत ही मॉडरेट रखना है। इसको ज़्यादा पानी भी नहीं देना है और बिल्कुल अंडर वाटर भी नहीं करना है। पानी आप तब दें जब आप देखें कि इसके गमले की जो मिट्टी है वो अच्छी तरह सूख चुकी है, उसके बाद ही इसे पानी दें। अगर ज़्यादा पानी देंगे तो इसकी रूट रोट की प्रॉब्लम हो जाएगी, जड़ें जो हैं इसकी वो गल जाएंगी। तो इस तरह से पानी आपने इसे देख कर देना है, जब तक इसकी मिट्टी जो है वो अच्छी तरह से सूख नहीं जाती तब तक आप इसे दोबारा पानी नहीं देंगे। तो इस तरह से सनलाइट आपने शेड एरिया में इसे रखना है। फिर किसी बड़े से प्लांट के नीचे आप लगाएं तो बहुत अच्छी तरह से ग्रो करेगा ये, डायरेक्ट धूप में ना इसे रखें। ये प्लांट जो है रूट बॉर्न होना पसंद करता है, तो आप जैसे एक बार इसे लगा दें किसी गमले में तो जब तक अच्छी तरह से गमले में पूरी अच्छी तरह से भर जाता है। ये मैंने एक सिंगल लगाया था, अब ये पूरा गमला भरने लगा है। तो ये प्लांट जो रूट बॉर्न होना पसंद करता है, एक बार पूरा गमला आपका भर जाए तो उसके बाद अब इसे रूट डिविज़न से अलग अलग गमलों में लगा सकते हैं। तो यही सब जानकारी थी हमारे रियो प्लांट के बारे में। फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।